हेलो माय गार्डन फ्रेंड्स, आज मैं आपको अडेनियम की प्रूनिंग के बारे में बताऊंगी कि इसकी हमें किस समय और कब प्रूनिंग करनी चाहिए। उत्तर भारत में अब मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हवा में नमी की भी कमी होनी शुरू हो गई है। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रूनिंग करने से पहले। अब इसकी बढ़वार का मौसम शुरू हो गया है। प्रूनिंग हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि इसकी एक तो देखिए कुछ ब्रांचेस ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, लंबी हो गई हैं, और अगर हम लोग इनकी प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी कर देंगे, कटिंग कर देंगे, तो क्या होगा कि नई ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फूल भी फिर आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे ये है, आप देखिए टिप इसकी ख़राब सी होने लग गई है, तो इसको हम लोग जितनी भी ख़राब इसकी पोर्शंस हैं प्लांट के वो सब हम लोग निकाल देंगे। ये देखिए इसमें भी ये ख़राब होनी शुरू हो गई है, ऊपर की टिप थोड़ी सी ड्राई सी होके, रॉट नहीं हुई है बट ड्राई हो गई है, हेल्दी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इस तरह की जो वीक ब्रांचेस हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इनमें से होने वाला नहीं है, तो आप इस तरह की ब्रांचेस भी निकाल देंगे। प्रूनिंग इसीलिए की जाती है कि एक तो पेड़ का शेप फॉर्मेशन ठीक रहे और दूसरा ब्रांचेस और निकले। ये जो बीच की ब्रांचेस जो क्रिस क्रॉस करती हैं ब्रांचेस, उनको भी हम निकाल देंगे। तो इसके लिए आपको ये बहुत तेज़ धार का एक शार्प ये सेगेटियर या शेयर्स चाहिए होंगे और एक ही कट में हम इसको निकालेंगे। 45 डिग्रीज का कट करेंगे, उससे क्या होगा कि जो पानी है वो इस पर रुकेगा नहीं और फिर जर्मिनेशन ये कीट वगैरह जो है, डिजीज़ जो है स्पेशली, वो इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगी। तो हम इस वाली से शुरू करते हैं जो सबसे स्टैगनेंट है और वीक है। सो ये ध्यान रखिए, जो आप 45 डिग्रीज का कट लगाएंगे तो वो स्लोप जो है उसका बाहर की तरफ होना चाहिए। तो ये मैं सोच रही हूँ ये पूरी ही निकाल दूंगी, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ से निकालेंगे, जहाँ ये आप नोड देखते हैं, जहाँ से नोड है प्लांट का ब्रांच पे, उसके आधा इंच ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैं इस वाले से करूँगी और ये ध्यान रखिए हमेशा कि ये बहुत साफ़ और स्टरलाइज्ड आपके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, नहीं तो डिजीज़ होएंगे, पहले से कटी है कोई चीज़ तो इसमें कोई बीमारी होगी तो आपका ये पेड़ भी ख़राब होने की स्थिति में हो जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ स्लोप लगाएंगे और ऐसे काटेंगे। ये नोड है, नोड से आधा इंच ऊपर 45 डिग्रीज पे, और एक ही बार में हम इसको अच्छी तरह निकाल देंगे। ये देखिए कितना क्लीन कट आया है। ये कट आने के बाद में, क्योंकि अब ये ओपन हो गया है, तो हम इसमें कुछ भी एक फंजिसाइड का लेप लगा देंगे। मैं इसमें बेवस्टीन का लेप लगा रही हूँ, आप शहद लगा सकते हैं, आप दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा ज़रूर, नहीं तो यहाँ से इन्फेक्शन अंदर ट्रैवल होने का डर रहता है हमेशा। फ्रेंड्स, ये ब्रांच हमने काटी है, इसके बाद अब हम इस वाली पे आते हैं। जब भी ब्रांच हम काटेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि हमको फॉर्मेशन पेड़ का एक सा चाहिए, तो ऑलमोस्ट लेवलिंग जो है वो भी हम ब्रांचेस की एक संग एक साथ करना चाहेंगे। तो ये देखिए ये इसका टिप, ये सूख रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम निकाल देंगे। ये 45 डिग्रीज के एंगल से ये देखिए इसको यहाँ ये बिल्कुल शार्प और अच्छा कट बनाया है इसमें, देखिए आप ये देखिए कितना नीट कट आया है। इसमें भी अब हम बेवस्टीन लगा देंगे।
इसी प्रकार फ्रेंड्स हम बाकी जो ये लंबी लंबी ब्रांचेस हैं इनका भी हम कटिंग कर देंगे और बेवस्टीन लगा देंगे, तो आपका पेड़ जो है यहाँ से नए फुटाव लेना शुरू कर देगा। और आपको चूंकि ब्रांचेस अब इसमें ज़्यादा निकलेंगी प्रूनिंग के बाद, तो आपको यकीनन फूल भी ज़्यादा मिलेंगे। बहुत मोटी ब्रांच हो तो वो मत काटिएगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गई है। जो थोड़ी बारीक और पतली लंबी सॉरी फ्रेंड्स, जो पतली और लंबी पड़ती ब्रांचेस हैं उन्हीं को काटिएगा। तो अब जैसे ये पतली और लंबी हो गई है तो हम इसको काटेंगे। अब किधर से मैं काटूं कि आपको नज़र आए ठीक से, पहले ये सामने वाली हटा देते हैं, ये थोड़ा सा हिंडर कर रही है। सो इसका भी स्लोप हम इस तरफ रखेंगे ऐसे, और ये देखिए ये निकाल दी मैंने, ये बढ़िया से अच्छी तरह से कट गई है। इसके बाद हम इस वाली को लेते हैं, ये इसके नोड्स हैं, नोड्स से आधा इंच ऊपर हम इसमें शार्प कट लगाएंगे। ये मैं यहाँ से इसको काटूंगी, बहुत लंबी हो गई है ये। ये देखिए ये काट के एक बार में, ये एक बार में नहीं कटा है तो थोड़ा सा फिर से इसको हमें काटना पड़ेगा। ये नीट नहीं कटा है फ्रेंड्स, ऐसा जब हो जाता है तो ये हमारा काम खराब करता है। तो एक कट हम और ट्राई करते हैं नीचे की तरफ से, इस दूसरे वाले शेयर्स से करते हैं, आई होप इससे ठीक होएगा। ये देखिए ये बड़ी हो गई है, मोटी है, ये इससे अच्छा कट गया है। ये देखिए कितना बढ़िया और नीट कट आया है ये इस वाले से। अब हम इसमें फिर से बेवस्टीन लगा देंगे, कोई भी आप फंजिसाइड लगा सकते हैं, ये इस पे भी लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें अब खुराक देनी शुरू करेंगे, क्योंकि इसका बढ़वार का समय है। इसमें आप रिपोटिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें इस समय तो, और दूसरे इसमें आप पानी की खाद डाल सकते हैं। और वैसे अगर आपने रिपोटिंग पिछले साल की है तो ज़रूरत इतनी कुछ है नहीं इसमें। ऊपर से एक टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए बोन मील नीम खली की, और इसको अपने आप बढ़ने का मौका दीजिए। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने एडेनियम्स की अच्छी तरह से प्रूनिंग करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, पानी कम देंगे। अब क्योंकि मौसम गर्मी का होने वाला है तो आप धीरे धीरे इसमें पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हफ्ते में दो बार बढ़ा सकते हैं फरवरी मार्च के महीने में। इसमें आप NPK 20-20-20 डाल सकते हैं, और आप अपने पेड़ को देखिएगा कितना बढ़िया निकल रहा है। कॉडेक्स देखिए बहुत सुंदर है, एकदम बाहरी रहते हैं ये पेड़, कुछ हुआ नहीं है इनमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं दूसरे पौधे के साथ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।